Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to explain Chapter 2, English Down the Ages. तो English Down the Ages मतलब age के साथ साथ English कैसे आगे बढ़ता चला गया उसके बारे में इसमें दिया गया है. कहते हैं कि the importance and uses of English language, कि English language के importance और इसका जो प्रयोग है uses है in our modern and globalized world, मतलब हमारे जो आधुनिक और भूमंडलीय दुनिया में ग्लोबलाइज्ड मतलब पूरा दुनिया क्रिएट्स द इम्प्रेशन, एक ऐसा प्रभाव को छोड़ती है दैट इट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. और इससे यह समझा जाता है कि ये वही लैंग्वेज है जो लोगों के अधिकतर संख्या के द्वारा बोला जाता है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो समझ गए होंगे कि किस तरीके की बात बताई गई है कि यह जो है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, ये यूसेज है जो आज के लोगों के द्वारा फील किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है और इसे लोगों के द्वारा बोला जाता है. हाउएवर इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मैंड्रिड चाइनीज, लेकिन फिर भी यहाँ यह समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मैंड्रिड जो चाइनीज है वो लगभग जो है 870 मिलियन पीपल के द्वारा जो है लगभग बोली जाती है और इसका स्थान सबसे ऊपर है. तो होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन. इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 309 मिलियन पीपल, और इंग्लिश जो है वो 309 मिलियन पीपल के द्वारा बोली जाती है. अब हम आपको बता देते हैं कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होते हैं. तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैंड्रिड जो चाइनीज है वह इंग्लिश की तुलना में कितना ज़्यादा बोली जाती है. मतलब इंग्लिश जो है अभी मैंड्रिड चाइनीज की तुलना में आधा भी नहीं है, अभी बहुत ही आधा भी होने में इसको जो है कम से कम 100 मिलियन से ऊपर जो है इसको कवर करना होगा. तो कहते हैं दाउ इट इज अ लैंग्वेज विच हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं भले ही ये लैंग्वेज जो है यह दुनिया के हर एक हिस्से में जो है देखी जाती है, हैज इट्स प्रेजेंस मतलब देखा जाना, एंड इट्स पावर इज फेल्ट द वर्ल्ड ओवर, और इसकी पावर जो है पूरी दुनिया में महसूस की जाती है. हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स, और बोलने वाले की अगर बात करें कि दुनिया में थर्ड सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो वो हिंदी है पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड. तो पहला मैंड्रिड हो गया, सेकंड इंग्लिश हो गई, और थर्ड आपका हिंदी हो गया. लगभग 40 करोड़ पीपल जो है हमारे देश में हिंदी बोलते हैं, जो नंबर यहां पे नहीं दिया हुआ है. अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड. दूसरा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है जो सरप्राइज करने वाली है, आश्चर्य करने वाली है, कि इंग्लिश केवल 1500 वर्ष पुरानी भाषा है, 100 ईयर्स ओल्ड. एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विद इज लेस देन फ्यू सेंचुरीज ओल्ड, और जिस लैंग्वेज से आज हम परिचित हैं वह कुछ ही सेंचुरीज पुराना है. मतलब आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ये इंग्लिश कुछ ही साल पहले जो है प्रचलन में आया, उससे पहले ओल्ड इंग्लिश चलता था या मिडल इंग्लिश चलता था, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं. मोर ओवर दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनरा. ऑल जेनरा मतलब जितने भी प्रकार के लिटरेचर हैं, जितने भी विभाग के लिटरेचर हैं, उस सभी विभाग में इस भाषा ने जो है एक अलग सा एक्सप्रेशन दिया है, और इसने दुनिया को वर्ल्ड क्लास लिटरेचर दिया है. शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड मेनी अदर्स आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर. कहते हैं शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन है वो अभी भी बहुत मतलब महान मास्टर जो है, और भी बहुत सारे हैं जो महान मास्टर अभी भी माने जाते हैं अपनी आर्ट में, अपनी कला में, एंड आर रेलिवेंट फॉर दियर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस, और अपनी साहित्यिक जो प्रतिभाशाली है और अपनी जो विचार है उसमें वो प्रासंगिक है, रेलिवेंट है. द फॉलोइंग फैक्ट्स विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द रीजंस. कहते हैं नीचे जो अभी हम पढ़ेंगे ये फैक्ट जो है आपको समझने के योग्य बना देगी वो सारे रीजंस हैं जो आपको समझने के योग्य बना देगी. विच हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू ए पोजिशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन टू आवर टाइम्स. कि किस तरीके से जो लैंग्वेज का भी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी वो आज जो है हमारे समय की जो है बिना किसी हेर फेर की महान भाषा के रूप में उभर गई है. अनपैरेलल्ड मतलब बिना किसी हेर फेर के. यह है पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. यह हिस्ट्री जो है इंग्लिश की उसका एक पीरियड या काल है जिसको अवधि भी कहा जाता है.
The evolution of the English language from the beginning in the Anglo-Saxon times, कहते Anglo-Saxon के time से ही जो English language की जो शुरुआत है उसकी जो प्रगति है evolution है और वो जो आज तक आया है मतलब Anglo-Saxon time से जो आज तक आया है modern era तक has been an unbroken one का मतलब हुआ कि ये एक chain की तरह चलता गया और ये आता गया एक दूसरे से जुड़ करके. We can distinguish three main periods in the history. इस history में हम तीन मुख्य period को अलग अलग कर सकते हैं and growth of the language और language की growth को भी अलग अलग कर सकते हैं in the following manner जो दिए गए हैं इस तरह से. तो तीन वो कौन कौन से हैं. पहला है ओल्ड इंग्लिश. इसकी जो मतलब समय थी वो 449 AD से 1066 AD तक. मिडल इंग्लिश इसका टाइम है 1150 से लेकर के AD से लेकर के 1500 AD तक. और मॉडर्न इंग्लिश इसका टाइम है 1500 AD. मतलब आज की जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं वो हम 1500 के बाद जो इंग्लिश चली थी वही इंग्लिश आज हम सीख रहे हैं. और यही कारण है कि मिडल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज समझने में हमें बहुत कठिनाई होती है. ओल्ड इंग्लिश तो बिल्कुल ही बहुत लोगों की या बहुत मतलब समझ से लगभग पड़े ही होती है इस तरह से वो लिखी गई है. चलिए अब आगे देखते हैं. पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताया गया है. Throughout this period, English continued to be the language of everyday speech for the common mass. कहते हैं इस अपनी पीरियड में पूरी पीरियड में मतलब इनकी पीरियड 449 AD से लेकर के 1066 तक थी. तो इस पूरी पीरियड में इंग्लिश केवल जो है कॉमन मास या कॉमन लोगों की रोज की भाषा बन के रह गई. ये कोर्ट में लैंग्वेज यूज नहीं हुई, ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं हुई, ये मेजर स्केल पे लैंग्वेज को यूज नहीं किया गया. केवल कॉमन लोगों मास का मतलब लोगों की जो है रोज की भाषा बन गई या रह गई. द डिविजन्स मेड अबव आर मोर फॉर कॉन्वीनियंस बट इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स. कहते हैं जो ऊपर जो डिवीजन हम तीन भाग में किए गए हैं ये तो हम अपनी सुविधा के लिए किए गए हैं, कन्वीनियंस में सुविधा. लेकिन यह संभव है कि लिंग्विस्टिक फीचर के आधार पर हम इसको अलग अलग कर सकें इन तीनों पीरियड को. अब लिंग्विस्टिक फीचर क्या होते हैं कि किस तरीके से भाषा जो है बदली है, किस तरीके से स्पेलिंग बदली है, किस तरीके से साउंड बदली है, किस तरीके से वॉवल बदली है, किस तरीके से कॉन्सोनेंट बदली है, तो ये सारे हो गए लिंग्विस्टिक फीचर. द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड. कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की क्या सब खासियत है वो आगे दी हुई है. बाय इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस के द्वारा. ये इन्फ्लेक्शन जो है एक पार्ट है, अगर आप रीड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट की ग्रामेटिकल पार्ट की या अगर आप लैंग्वेज के पार्ट को स्टडी करेंगे तो इन्फ्लेक्शन आपको समझ में आ जाएगा. इन्फ्लेक्शन बहुत सारे होते हैं, डेरिवेशनल होते हैं और भी बहुत सारे इन्फ्लेक्शनल होते हैं जिसको आप मतलब एक वर्ड में जब आप किसी और फोनीम को जोड़ते हैं तो उससे इन्फ्लेक्शन का निर्माण होता है. ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस इन्फ्लेक्शंस आर फाउंड टू हैव बीन लेबल्ड. और धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ जो है ये इन्फ्लेक्शंस जो है वो धीरे धीरे बराबर पाए गए, लेबल्ड. लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वॉज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस एज कोर्ट पैट्रनिज वॉज लैकिंग एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज. कहते हैं जो भी इस समय में लिटरेचर थे उसकी बहुत ज्यादा महत्व नहीं थी, वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस भी इस महत्व होते हैं, क्योंकि कोर्ट के जो जाने माने लोग थे, पैट्रनिज थे, वो इसको समझने में कमजोर थे, वॉज लैकिंग. और एज को इसीलिए जो है डार्क एज के नाम से जाना जाता है. तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि डार्क एज कौन से हैं, मिडल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है या ओल्ड इंग्लिश है, तो आसानी से हम कह सकते हैं आपकी ओल्ड इंग्लिश है. उसके बाद आगे चलते हैं मिडल इंग्लिश. फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू एमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर. अब लैंग्वेज के अगर लिटरेचर की लैंग्वेज के रूप में बात किया जाए कि ये कब से आगे बढ़ा इंग्लिश, तो ये थी 1150 के बाद की जो मतलब समय है उसमें इंग्लिश को जो है लिटरेचर की लैंग्वेज के रूप में माना गया. ये एक लिटरेचर की लैंग्वेज बन गई, एक साहित्य की लैंग्वेज बन गई. द लैंग्वेज वॉज एनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन. अब इस लैंग्वेज को और अच्छा मजबूत किया गया, समृद्ध किया गया. कैसे, तो बहुत सारे जो है वर्ड लैटिन और फ्रेंच से लेकर के. एक्सटेंसिव बोरोइंग मीन्स बहुत सारे वर्ड को लेकर के, उससे मिला करके. Apart from this two, other major developments occurred. इसके अलावा दो मुख्य जो development है,
जो स्थिति है वो हुई, यहाँ पे डेवलपमेंट या विकास भी कह सकते हैं, हुई मतलब अकर्ड, यहाँ पे अकर्ड मीन्स होना, वो क्या हुआ। तो वन वॉज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, इसी समय जो है 1476 में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार था। द अदर बींग कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, या दूसरी थी कि लिटरेसी जो साक्षरता है उसमें एक उचित ऊंचाई हुआ या उचित वृद्धि हुई, कंसिडरेबल। द ग्रेट वॉवल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस, इसी में वॉवल शिफ्ट भी हुआ, मतलब वॉवल भी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल दिस फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली टू क्रिएटिंग अ लैंग्वेज फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पस, ये जितने भी कारक हैं इसने बहुत गंभीर तरीके से हेल्प किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया लैंग्वेज को क्रिएट करने में, किस लैंग्वेज, किस तरह का लैंग्वेज क्रिएट करने में, स्पोकन और साथ साथ जो है रिटन लैंग्वेज के जो पर्पस है उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। मॉडर्न इंग्लिश को देखते हैं क्या होती है। तो इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 AD, कहते हैं 1500 AD से जो है इंग्लिश को यूज किया जाने लगा, और जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं इसको जो है मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, मतलब 1500 से लेकर के और आज तक जो हम अभी तक बोलते आ रहे हैं ये मॉडर्न इंग्लिश है, अब आगे की जो पीरियड हो इंग्लिश की। रिसेंटली दिस पीरियड इज बींग सब डिवाइडेड इंटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश, और हाल फिलहाल ही में देखिए आगे दे भी रखा है कि इसी पीरियड को छोटे छोटे भागों में भी डिवाइड किया गया है मॉडर्न और नई इंग्लिश में। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th century, इंग्लिश वॉज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स, कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड से लेकर के 19th century के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक इंग्लिश मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश आइल की भाषा थी। ब्रिटिश आइल का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ जो है ब्रिटिशर्स रहते थे। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश एम्पायर, मतलब इंग्लिश एम्पायर ने जब अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया, जब अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, साइंस में भी ग्रोथ करी, टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, इसके साथ क्या हुआ, साइंस का भी जो है विज्ञान भी बहुत प्रगति पे चली गई, इंडस्ट्री भी आगे निकल गई, पॉलिटिक्स भी लोग समझने लगे, लिटरेचर भी आगे बढ़ने लगी, तो इससे क्या हुआ, इससे द इंग्लिश लैंग्वेज एनरिच्ड इटसेल्फ बाय सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी, तो इंग्लिश लैंग्वेज और मजबूत हो गई और इसमें जो है वोकैबुलरी की जो संख्या है वो सफलतापूर्वक बहुत अधिक हो गई, जो शब्दावली है वोकैबुलरी है। एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड, और उन कंट्रीज का भी स्वाद बन गया इंग्लिश भाषा बोलना, जहां जहां ब्रिटिश ने अपना मतलब उपनिवेश बनाया था, जहां पे उन्होंने अपना रूल किया था, साम्राज्य मतलब बढ़ाया था या शासन किया था। इन द 20th century, मतलब 20वीं सदी में, द erstwhile कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, और भी जो ब्रिटिश के कॉलोनीज थे और जहां जहां भी थे एम्पायर, एक्वायर्ड फ्रीडम, उन सबको आजादी मिल गई, जिसमें एक भारत भी थे आपको पता है। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, कहते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कंट्री तो छोड़ दिए बट इंग्लिश रिमेंट, लेकिन इंग्लिश भाषा अभी भी वहां बच गई, रह गई। हेंस न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हैव एमर्ज्ड, इसलिए इस तरह से एक नई प्रकार के इंग्लिश उभरा या सामने आया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। सम ऑफ दिस आर अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, इसमें से कुछ है अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो हर जगह अंग्रेज इंग्लिश छोड़ के चले गए, लेकिन वहाँ के जो लोग इंग्लिश बोलने लगे वो इंग्लिश बन गई, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश आदि एटसेट्रा। इन सिंपल टर्म्स द लेटेस्ट पीरियड्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा और पीरियड्स ऑफ न्यू इंग्लिशेस, कहते हैं सिंपल टर्म्स में जो हाल फिलहाल के जो एक वृद्धि या विकास हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसे जो है न्यू इंग्लिश पीरियड की एक नया युग या ईरा कहा जा सकता है। ईरा मीन्स नया युग। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इज इनफ टू इंडिकेट हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, मतलब यह जो नया परिवर्तन है टर्मिनोलॉजी है, यह पर्याप्त है इस बात को सूचित करने के लिए या दर्शाने के लिए किस तरीके से लैंग्वेज ने जो है अपने आप को जो है स्पष्ट किया है, साफ किया है अपनी भाषा को, एंड मोल्ड्स टू सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और अपने आप को बदला है, ढाला है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसके बेसिक पर्पस को सर्व करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए।
द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक द फ्लोइंग रिवर, कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की स्टोरी कैसी है तो रिवर की फ्लोइंग की तरह है, जो रिवर पानी की तरह, मतलब जिस रिवर में पानी बह रही होती है, मीएंडरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट से होकर के घूम घूम के जा रही होती है, मीएंडरिंग मतलब महादेशों से होकर के, एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉयल, और वहाँ की नेटिव सॉयल को एकदम सोख रही होती है, वहाँ की जो देसी मिट्टी होती है, एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के दिल में जो है प्रवेश कर रही होती है। नो सरप्राइज देयरफॉर इफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है इस कारण से कि लोग जो है पूरी दुनिया में जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश की है उसकी क्या अवस्था है, उससे बिल्कुल जुड़ जाएंगे या जुड़े होंगे, एक समय होगी ऐसा यहाँ पे दे रखा है, वर्ल्ड वुड हैव दे रखे हैं, वर्ल्ड हैव दे रखे हैं, तो या ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश जो है उससे वो बिल्कुल उसी के अनुसार से वो चल रहे हैं, उसी के अनुसार से वो काम कर रहे हैं। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आधुनिक युग में इंग्लिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिकेशन है उसके भाषा के रूप में सुटेबल जो है पाए गए हैं। इट हैज़ ऑल्सो इक्विप्ड इटसेल्फ टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट साइबर एज, आधुनिक जो साइबर एज है उसकी भाषा के रूप में भी यह जो है बिल्कुल सजी धजी हुई भाषा है, इक्विप्ड है। इन द नेक्स्ट फ्यू फेजेस विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कहते हैं अगले जो कुछ पेज हम अभी स्टडी करेंगे उसमें हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ खासियत को जो है डिस्कस करेंगे, विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसने कि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को में हेल्प किया है या उसमें हाथ बटाया है। तो आई होप दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू द एक्सप्लेनेशन, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रीड मोर एंड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एंड बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन आंसर इजिली दैट आई न्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय देन।